तो शुरू करते हैं। अपन पहले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कवर कर चुके हैं, अब देखेंगे अपन आर्थिक। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न स्थिति श्रेणी 1 से सम्मानित किया है? तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। अगला पॉइंट देखते हैं, रिजर्व बैंक द्वारा जून 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 तक भारत का विदेशी ऋण कितना हो गया है? तो ये हो गया है 663.8 बिलियन डॉलर। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, मई 2024 में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग TCM सदस्य बनने वाला पहला बैंक बना, भारतीय स्टेट बैंक। अगला पॉइंट देखते हैं, IIBX भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज है जिसे 2022 में गुजरात के गिफ्ट सिटी में लॉन्च किया गया। तो ये याद रखिएगा, IIBX भारत का पहला है, कुछ तो उसको इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। तो भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज IIBX जिसे 2022 में गुजरात की गिफ्ट सिटी में लॉन्च किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं, जून 2024 में विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट में वर्ष 2025 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 6.6%। अगला पॉइंट देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक FDI किस देश से प्राप्त हुआ? तो सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं, वह नियो बैंकिंग स्टार्टअप जिसे हाल ही में RBI द्वारा मोबाइल वैलेट लाइसेंस प्रदान किया गया, तो जुपिटर। अगला पॉइंट देखते हैं, 4 मार्च 2024 को कहां पर स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो हिसार हरियाणा में किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में किस संस्था ने बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार जीता? तो सेबी ने जीता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मोदी 3.0 के तहत हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवास के निर्माण की घोषणा की गई? तो 3 करोड़ आवास के निर्माण की घोषणा की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2015 में शुरू की गई इस योजना के तहत विगत 10 वर्षों में 4.21 करोड़ मकानों का निर्माण किया गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जून 2024 में किस कंपनी ने भारत में सूचीबद्ध रक्षा शेयरों पर केंद्रित भारत का पहला इंडेक्स फंड प्रस्तुत किया है? तो मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में मर्सर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों के लिए देश का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है मुंबई को। अगला पॉइंट, जून 2024 में किस देश के न्यायालय ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दिया? तो फिलीपींस ने। अगला पॉइंट देखते हैं, जून 2024 में किस भारतीय बैंक का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ के स्तर को पार कर चुका है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, जून 2024 में मोबाइल सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सेबी द्वारा लॉन्च किया गया। अगला पॉइंट है, इन्वेस्ट इंडिया द्वारा हाल ही में जारी एक अनुमान के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार कब तक 325 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगा? तो 2030 तक पहुंच जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, 14 मई 2024 को किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। अगला पॉइंट देखते हैं, 15 मई 2024 को भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी फोन पे ने किस देश में UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सुविधा लॉन्च की? तो श्रीलंका ने लॉन्च की है। अगला पॉइंट देखते हैं, अप्रैल 2024 में विश्व समूह द्वारा विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया? तो राकेश मोहन को किया गया है। अगला पॉइंट है, 24 मई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार को लाभांश के रूप में कितने लाख करोड़ रुपए के हस्तांतरण की मंजूरी प्रदान की? तो 211 लाख करोड़। काफ़ी न्यूज़ में था, तो उम्मीद है आपको याद ही होगा। अगला पॉइंट, गेल इंडिया लिमिटेड ने मई 2024 में अपना पहला 10 मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया? तो विजयपुर मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मई में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटीज द्वारा 1460 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंट देखते हैं, मई 2024 के आखिरी सप्ताह में किस अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग्स एजेंसी ने अर्थव्यवस्था पर भारत के दृष्टिकोण को स्थिर से सकारात्मक में संशोधित किया है? तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने। अगला पॉइंट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रवासन एजेंसी द्वारा मई 2024 में जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट के अनुसार 2022 में प्रेषित धन प्राप्ति के मामले में $111 अरब धन राशि प्राप्त करने वाला शीर्ष देश रहा है? तो ये रहा है अपना भारत। अगला पॉइंट देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश रहा? तो चीन। अगला पॉइंट देखते हैं, चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन चिप लॉन्च किया? तो सिक्योर IoT। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में बजाज ऑटो ने किस नाम से दुनिया का पहला CNG मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो बजाज फाइटर। ठीक है, दुनिया का पहला CNG मोटरसाइकिल है बजाज फाइटर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वह देश जहां से मई 2024 के आखिरी सप्ताह में RBI द्वारा 100 टन से अधिक सोना भारत वापस लिया गया? तो ब्रिटेन।
अगला पॉइंट देखते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में कहां पर देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू किया, तो चेन्नई में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अप्रैल 2023 में जनवरी 2024 के बीच कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा 30% योगदान इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यातक राज्य के रूप में उभरा, तो तमिलनाडु। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में भारत का कौन सा बंदरगाह वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा, तो पैरादीप बंदरगाह उड़ीसा। अगला पॉइंट देखते हैं, जून 2024 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई के बैलेंस शीट का आकार मार्च 2024 तक 11.8% बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए का हो गया है, तो 70.47 लाख करोड़। अगला पॉइंट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ द्वारा 2024 के लिए आगतन वैश्विक बेरोजगारी का बेरोजगारी दर अनुमान कितना है, तो यह 4.9%। अगला पॉइंट देखते हैं, अप्रैल 2024 में वित्त मंत्रालय द्वारा किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालन, ठीक है, एईओ का दर्जा प्रदान किया गया, तो रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को। नेक्स्ट, एईओ दर्जा मिलने के बाद आयात निर्यात प्रक्रिया सरल हो जाती है क्योंकि कार्गो रिलीज का समय कम हो जाता है, साथ ही बैंक गारंटी में 50% तक की कमी आ जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा 20 मार्च 2024 को किसे मिनी रत्न श्रेणी एक कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया, तो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ग्रिड इंडिया को। बात ये कब किया गया था, 20 मार्च को मिनी रत्न श्रेणी वन में डाला गया है इसे, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को। अगला पॉइंट देखते हैं, अप्रैल 2024 में चाइना मोबाइल को मोबाइल डेटा ट्रैफिक के मामले में पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी बनी रिलायंस जियो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अप्रैल 2024 में भारत में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक फोन और ईवी का निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी, तो फ्रांसीसी का कार निर्माता कंपनी सिट्रोन। अगला पॉइंट देखते हैं, जून 2024 में आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर सेमीकंडक्टर बनाने वाली अमेरिका की कौन सी कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, तो यह बनी है एनवीडिया कॉर्प। अगला पॉइंट देखते हैं, एनवीडिया का मार्केट कैप 5 जून 2024 को $3.06 ट्रिलियन से अधिक था, वहीं दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का बाजार मूल्य $3.1 ट्रिलियन है। अगला पॉइंट देखते हैं, लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2024 के तहत किस बैंक को जोखिम प्रबंधन पुरस्कार के लिए मार्च 2024 में चुना गया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। अगला पॉइंट देखते हैं, अप्रैल 2024 में किसे 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, तो मनोज पांडा को। अगला पॉइंट देखते हैं, अप्रैल 2024 में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न निर्माण के मामले में भारत का विश्व बैंक में रैंक तीसरी है, ठीक है, पीछे देख लेते हैं। अप्रैल 2024 में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न निर्माण के मामले में भारत की विश्व रैंक में रैंक है तीसरी। अगला पॉइंट, मई 2024 में रिलायंस ने किस देश में किफ़ायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया, तो घाना में लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा घाना। 7 जून 2024 को आरबीआई द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षा में लगातार 8वीं बार ब्याज दरों को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया, तो 6.5%। अगला पॉइंट देखते हैं, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मार्च 2024 में कहां पर वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 को लॉन्च किया है, इथेनॉल 100 लॉन्च किया गया नई दिल्ली में किसके द्वारा, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा। अगला पॉइंट देखते हैं, वह राज्य जिसके मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग का मार्च 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया, तो वह असम। कौन कौन सा है, मांजुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग। नेक्स्ट देखते हैं, 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने 1.35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली दुनिया की सबसे बड़ी किस योजना की शुरुआत की, तो अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की। अगला पॉइंट देखते हैं, 12 फरवरी 2024 को किन दो देशों ने अपने यहाँ यूपीआई की पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया, तो श्रीलंका और मॉरिशस ने लॉन्च किया है। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रधानमंत्री ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब लॉन्च किया, तो 13 फरवरी 2024 को लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है, फरवरी 2024 में नीति आयोग ने बंजर भूमि को खेती और वनीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने के लक्ष्य वाली किस पहल को शुरू करने की घोषणा की है, तो ग्रो पहल शुरू करने की घोषणा की है, ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड एग्रोफॉरेस्ट्री। अगला पॉइंट देखते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत अंतिम बजट 2024-25 में रेलवे से जुड़े किन तीन प्रमुख आर्थिक गलियारों के निर्माण की घोषणा की गई है, तो ऊर्जा खनुज और सीमेंट गलियारा, बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा और उच्च यातायात घनत्व गलियारा। अगला पॉइंट देखते हैं, पिछले दिनों ओडिशा राज्य सरकार ने किस उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित MSP योजना लावा लघु बना जाति द्रव्य क्रय शुरू किया, तो लघु वन उपज के लिए। अगला पॉइंट देखते हैं, अंतरिम बजट 2024-25 में भारत सरकार द्वारा घोषित पूंजीगत व्यय की राशि क्या है, तो 11.11 लाख करोड़ है। अगला पॉइंट देते हैं, 1 फरवरी 2024 को घोषित अंतरिम बजट 2024-25 में लखपति दीदी योजना का लक्ष्य दो करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया गया, तो 3 करोड़। किसका, लखपति दीदी योजना, ठीक है। अगला पॉइंट देते हैं, जनवरी 2024 में कंपनी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना
के लिए पात्र बनने वाली पहली भारतीय स्कूटर कंपनी बनी है, तो ओला इलेक्ट्रिक बनी है। अगला पॉइंट, जनवरी 2024 में भारत सरकार ने किस IAS अधिकारी को जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, तो सैंथिल पांडियन, ये याद रखिएगा क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल अचीवमेंट होती है तो याद रखना जरूरी है। अगला पॉइंट देखिए, जनवरी 2024 में भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना चरण वन को पूरा करने का समय सीमा किस वर्ष तक बढ़ा दी है, तो 2027 से 2028 तक बढ़ा दी है। अगला पॉइंट देखते हैं, 19 जनवरी 2024 में भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से बाहर कहाँ पर अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के परिसर का उद्घाटन किया है, तो बेंगलुरु। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, वह देश जिसने जनवरी 2024 में सूक्ष्म और लघु मध्य आकार के उद्यमों के लिए दुनिया का पहला स्थिरता मान्यता ढांचा इकोमार्क ग्लोबल को पेश किया है, तो संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच हैदराबाद में आयोजित एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन क्षेत्र के आयोजन विंग्स इंडिया 2024 एक्सपो की थीम थी अमृत काल में भारत का दुनिया से जोड़ना, भारत नागरिक उड्डयन @2047 के लिए मंच तैयार करना। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में कौन सी भारतीय फर्म ISO 27001:2022 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई, तो हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स। तो ये अपन ने देख लिया अर्थ की, अब अपन देखेंगे अगला पुरस्कार। थैंक यू।